हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता का कहलाता है सीरियल में डॉक्टर अभिमन्यु का किरदार निभाकर टीवी एक्टर हर्षद ने लाखों फैंस को अपना दीवाना बना चुके हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टीवी एक्टर हर्षद की लाइफस्टाइल के बारे में। टीवी एक्टर हर्षद तो दिखने में बहुत ही हैंडसम है, लेकिन उनकी रियल एज कितनी है, उनकी शादी हो गई है या फिर वो किसी रिलेशनशिप में है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनकी सैलरी कितनी है और उनकी बैंक बैलेंस कितनी है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल बटन को दबाना मत भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है हर्षद चोपड़ा। उनका निकनेम है हर्ष। 17 मई 1983 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है महाराष्ट्र, इंडिया। उनकी हाइट है 5 फीट 11 इंच और उनकी वेट है 80 kg। उनकी फिगर मेजरमेंट है चेस्ट 44 इंचेस, वेस्ट 32 इंचेस और बाइसेप 16 इंचेस। उनकी जोडाई साइन है टॉरस। साल 2023 में उनका रियल एज है 40। उनकी हॉबीज के बारे में बात की जाए तो उन्हें जिम जाना, पार्टी करना और घोड़े सवारी करना बेहद पसंद है। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने गोंदिया के रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने पुणे की मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो ग्रेजुएट है। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक एक्टर है। आपको बता दें कि हर्षद के माता पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटा एक एक्टर बने, लेकिन हर्षद ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने एक्टर होने की सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चले आए थे। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। साल 2006 में टीवी सीरियल ममता के साथ उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था, जहां पर उन्होंने करण श्रीवास्तव का किरदार निभाया था। साल 2007 में सब टीवी की शो लेफ्ट राइट लेफ्ट में कैडेट आली बाग के किरदार में वो नजर आए थे। इसके बाद उन्हें देखने को मिला था सोनी टीवी के अंबर धारा सीरियल में, जहां पर उन्होंने अक्षत मेहरा का किरदार निभाया था। साल 2008 में उन्हें स्टार प्लस के सीरियल किस देश में है मेरा दिल में प्रेम चुनेजा के किरदार में देखा गया था। इसके बाद उन्हें स्टार प्लस के और एक सीरियल तेरे लिए में देखा गया था, जहां पर उन्होंने अनुराग गांगुली का किरदार निभाया था। साल 2011 में धर्मपत्नी सीरियल में उन्होंने मोहन गाला का किरदार निभाया था। साल 2012 में लाइफ ओके की सीरियल दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव में राघवेंद्र प्रताप सिंह के किरदार में देखा गया था। साल 2014 में वो नजर आए थे सोनी टीवी की सीरियल हमसफर्स में। साल 2018 में उनकी पॉपुलैरिटी दुगनी हो गई जब वो बेपना सीरियल में जेनिफर उनगेट के ऑपोजिट लीड रोल के तौर पर नजर आए थे। फिलहाल वो पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में डॉक्टर अभिमन्यु का किरदार निभा रहे हैं और दर्शकों को उनका ये किरदार बेहद पसंद आ रहा है। टीवी सीरियल्स के अलावा साल 2016 में उन्होंने बंगाली फिल्म बंधु अमान में जॉय का किरदार निभाया था। साल 2017 में 2016 द एंड मूवी के साथ उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। साल 2020 में वो म्यूजिक वीडियोस में नजर आए थे, जैसे कि जुदा कर दिया और हमसफर। साल 2021 में भी वो कई सारे म्यूजिक वीडियोस में नजर आए थे, जैसे कि गलत, आखिरी मुलाकात और प्यार की सलीकी। साल 2017 में इंडिया टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ था, जहां पर वो 16th पोजीशन पे आए थे। साल 2018 में ईस्टर्न आइज 50 सेक्सिएस्ट एशियन मैन की लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ था, जहां पर वो 19th पोजीशन पर आए थे। साल 2018 में
टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में उनका नाम 8th पोजीशन पर आया था। साल 2019 में ईस्टर्न आई 56th एशियन मेन की लिस्ट में उनका नाम 6th पोजीशन पर आया था। ठीक उसी साल इंडिया के टॉप 20 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में उनका नाम 8th पोजीशन पर आया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। साल 2010 में ग्रेट फेस ऑफ द ईयर की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। ठीक उसी साल में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेली अवार्ड दिया गया था। साल 2018 में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। ठीक उसी साल मेल एक्टर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में उन्हें एशियन व्यूअर्स टेलीविजन अवार्ड दिया गया था। साल 2019 में मेल एक्टर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में उन्हें एशियन व्यूअर्स टेलीविजन अवार्ड दिया गया था। साल 2020 में फिटनेस आइकॉन मेल की कैटेगरी में उन्हें गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2022 में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में 21st इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। ठीक उसी साल में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें 22nd इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया था। इसके बाद बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्हें आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड दिया गया था। साल 2022 में फैन फेवरेट एक्टर की कैटेगरी में इंडियन टेली अवार्ड दिया गया था। हर्षद और प्रणाली राठौर को टीवी जोड़ी ऑफ द ईयर की कैटेगरी में इंडियन टेली अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनके फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो मारवाड़ी जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम है प्रकाश चोपड़ा, उनकी बहन का नाम है हर्षा चोपड़ा। उनकी पर्सनल अफेयर्स की बात की जाए तो उन्होंने टीवी एक्ट्रेस श्रुति झा को 1 साल तक डेट किया था। इसके बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। बेवना सीरियल की शूटिंग के दौरान ये खबरें सामने आई थी कि हर्षित चोपड़ा और जेनिफर विंगेट दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने ही इस बारे में कभी भी मीडिया के सामने कोई बातचीत नहीं की। फिलहाल एक्टर उनके को एक्ट्रेस प्रणाली राठौर को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रणाली हर्षित से 14 साल छोटी है। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पर एपिसोड के लिए वो 3 लाख रुपए लेते हैं। उनका चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास BMW X5 मॉडल की कार है जिसकी कीमत है 98 लाख। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।